सिस्टम है बहुत। थैंक यू। ये सब चलिए फ्लाइट हो चुका है। दिलीप सेन जी को बुलाना, दिलीप सेन समीर सेन जी को जी, दिलीप सेन समीर सेन जी को बुलाना। Welcome, Ram Shankar sir. Thank you, Ram Shankar sir. How are you?
Okay, to you. Oh, thank you. Thank you, sir. Well, ladies and gentlemen, and now, let's go a little faster. I'm truly delighted to welcome Zed Darbarji here with us, a Hollywood actor and producer. Yes, you are a very jal ab yahan aa rahe hain. And yet another great star, singer, actor, outstanding performer and director, Arun Bakshi sir. Please stand right here, sir. So happy and delighted to welcome you here. Shahid as well, and of course, I would like to welcome Shah Rukh Khan's beautiful and very lovely friends here. And with him, his very handsome Hans brother is here. We invite you later, all the brothers. But right now, I'm going to please invite Madha Poddar ji and our lyricist. Can we please give it up for the one and only? It's always about the music. And my God, our music director. खुशी है. Well, let's also welcome our lyricist, the one and only Vimal Kashyap ji. Can we please welcome him here? All right, and I'm going to invite सबसे जो youngest हैं और पीछे पीछे आज लग रही हैं. My God, इतनी खूबसूरत है, लेकिन जब उनकी आवाज सुनते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं. रजी मेरा बस स्नेहा शंकर. आदित्य शंकर, if you have आदित्य here. स्नेहा is a live performer. They are here or they're on their way. Let's give it up for Shabina Khan, the very, very lovely actress and very renowned model. Shabina, Aditya, we like to first felicitate Aditya. Aditya, it's a young age, it's a young following that footsteps. We are proud of you, yeah. After studio, they were very fun. And your mother is a beautiful lady in red. Aaj Valentine's Day occasion, and please beach me. ये हमारा छोटा सा बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा स्टेज है. मैं चाहूंगी कि अब हम अनिल ने म्यूजिक आरंभ किया जाए. सर, जस्ट फॉर फोटो आप सबके बुक के मैं वहां पर रखना चाहूंगी. और ये भी फ्रॉम बैरल इफ यू कैन जस्ट, ये अच्छा किया आपने, थैंक यू. कैन जस्ट शिफ्ट दिस प्लीज, थैंक यू. ये टेबल हटवा दो भाई जी. हम सब आज यहाँ पर हैं और म्यूजिक एल्बम रब्बा मेरे. जितनी उत्सुक और एक्साइटेड और थ्रिल्ड मैं हूँ म्यूजिक एल्बम देखने के लिए, उतने आप भी हैं. बट राइट नाउ, इन द नेम ऑफ डिवाइन लव, इन द नेम ऑफ रब्बा, आइए हम म्यूजिक एल्बम का अनवील और लॉन्च कर रहे हैं बाय द हैंड्स ऑफ आवर म्यूजिक डायरेक्टर. एब्सोल्युटली, इट इज वैलेंटाइन स्पेशल. माय गॉड, राम शंकर देयर, आवर लकी गेस्ट डिग्निटरीज. सो So, Ram Shankar sir, would you want Shadab's brothers? Or it's okay? Please, Shadab ji ke bhai aa jaiye. Handsome Hans. Shabaz. Please aa jaiye. All right. Sir, ek se nikala nahi hai. At the count of five. Five.
तक देख ले थ्री टू हाफ मैं तो कहूंगा राम भाई सब्जी अरविंद दिखर रहे जो आपका डांट कर रहे सो अभी फिर पकड़ना अच्छा भाई सिमरन तब से बोल रही है और इतना अच्छा बोल रही है मैं चाहूंगा सिमरन के लिए जोरदार ताली दो मंच पे मेरे तमाम मित्र हैं और सब अपने अपने जगह पर्सनालिटी हैं हस्ती हैं अपने अपने क्षेत्र की और सब जानते हैं आप लोग मैं सबका स्वागत करता हूं और ये रब्बा मेरे एल्बम आज लॉन्च हो रहा है ये रब्बा ईश्वर हाँ भाई कह रहे हो ईश्वर का नाम देखिए और ये प्रोड्यूसर हैं देखो लग नहीं रहे लेकिन है बेस्ट रहे ना सर फीचर भी किया इन्होंने जो भी है बढ़िया है बेहतरीन है तो भाई जो भी प्रोड्यूसर एंटर करता है एल्बम बनाता है वेब सीरीज बनाता है फिल्म बनाता है हम भाई उसका स्वागत करते हैं क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों को उसमें काम मिलता है आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ जितने लोग आए उनका भी मैं अभिनंदन कर रहा हूँ वेलकम कर रहा हूँ आप सब लोग भी प्रार्थना कीजिएगा कि ये एल्बम बहुत चले बहुत सक्सेस हो और बाकी बातें हमारे साथी बताएंगे जो म्यूजिक संगीत की दुनिया के यहाँ पर कई मेहताज बादशाह मौजूद है मेरे नाम सबको पता है आप लोग मेरा जुड़वा कहते हो दिलीप सेन सभी सेन साहब हो हमारे अरुण भाई हो सब लोग बेहतरीन अपने अपने क्षेत्र के तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे आके और मैं अपनी बहुत सारे विशेष देता हूँ रामशंकर भाई को गजेंद्र जो बहुत अच्छा कर रहा है ये वैलेंटाइन पे रिलीज हुआ है अब वैलेंटाइन की उम्र मेरी और अरुण बख्शी की है नहीं ये दिल्ली दिल्ली में बोल रहे हैं तो अपना बोल मेरे तो क्यों बोल रहे हैं सो मतलब क्वारंटाइन के समय के दौरान आप लोग काम करते रहे लगे रहे और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ सारी महंगाइयाँ शुरू हो गई मैं कहूँगा शहर खुल रहे हैं मुलाकात करेंगे शहर खुल रहे हैं मुलाकात करेंगे मोबाइल मत लाना बात करेंगे अरे हमारी बिल्डिंग में तो अरुण भाई लोग ऐसे बात करते थे राजू भाई क्या मैं क्या हाँ बोलो बोले बी विंग में दो है और बाजू वाली बिल्डिंग में तीन है तो किसकी बात कर रहे हो बोला कोरोना मरीज अजीब अजीब कॉमेडी हो रही थी उन दिनों लोग टेंशन में भी थे घबराए हुए भी थे लेकिन मजेदार बातें भी हो रही थी मैंने यहाँ वर्सोवा में किसी से पूछा भाई यहाँ वैक्सीन कहाँ लग रही है बहुत सोच के बोलता बोलता है लेफ्ट हैंड में लग रही है अच्छा कोरोना के टाइम पे बच्चन साहब का बहुत पता है
हिट हुआ ना वो मोबाइल पे आता था मैसेज 20 सेकंड हाथ धोए रगड़े ऐसे घिसे ऐसे घुसाए घिसे सब था 20 सेकंड तो लोग सीरियसली ले रहे थे लेकिन लोग टेंशन में तब आ गए जब बच्चन साहब को भी हो गया उनको भी कोरोना हो गया था तो लोग बोले यार तू ये चेंज करो पहले तो मैंने बच्चन साहब से रिक्वेस्ट किया कि सर इसको थोड़ा मजेदार ढंग से बोलिए अग्निपथ स्टाइल में कोरोना के बारे में तो बोले कैसे बोले मैंने कहा मैं बताता हूँ तो कोरोना के बारे में बोला शत्रु यह दृश्य है विनाश इसका लक्ष्य है शत्रु यह दृश्य है विनाश इसका लक्ष्य है तो जरा भी मत फिसल घर से मत निकल मत निकल मत निकल मत निकल भाई साहब आपके घर की जो रेखा है रेखा आपके घर की जो रेखा है उसको पार करके मत जाया कर वरना आपके स्वास्थ्य का ऐश्वर्य खो जाएगा फिर आपको आपके आंसुओं से अभिषेक करके अपने आराध्य को याद करना पड़ेगा इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा कर इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा कर कोरोना गया उसके बाद जलसा जलसा शायर साहब के साथ पुणे जा रहा था वो ठिकाने वाले शायर थे तो मैंने इनसे पूछा कितना टाइम लगेगा मुझे तो 3-4 पैकेट मैं दूरी बता मैं 3-4 पैकेट मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ सो सिमरन मैं बस शुभकामनाएं देने के लिए आया था और हमेशा राम भाई अच्छा काम करते हैं और इस बार ये जो आज एल्बम रिलीज हुआ है रब्बा मेरे ये मेरे बहुत अजीज दोस्त श्री परवेज भाई परवेज खान साहब के बेटे शादा ये एज ए प्रोड्यूसर और एज ए एक्टर दोनों इस एल्बम के अंदर हैं और मेरा तो सिर्फ आशीर्वाद और मार्गदर्शन गाइडेंस है प्रेजेंटर हूँ मैं इस एल्बम का और शादा ने बहुत अच्छा वीडियो में काम किया है और ये और भी आगे काफ़ी कुछ करने की प्लानिंग है इस प्रोडक्शन हाउस की लाइन लाइट प्रोडक्शन की आगे म्यूजिक एल्बम्स भी कर रहे हैं एक बहुत अच्छा एल्बम मेरे बेटा आदित्य शंकर वो भी इनके लिए कर रहा है मेरी बेटी स्नेहा वो भी कर रही है बहुत ब्यूटीफुल एल्बम थैंक यू वेरी मच तो ये म्यूजिक इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ करना चाहते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ करना चाहते हैं आप सबका आशीर्वाद आप सबका सहयोग आप सबका प्यार इनको चाहिए इनके साथ चाहिए थैंक यू वेरी मच और इसे कंपोज किया है बहुत ही टैलेंटेड कंपोजर मानव पोदार और किरण कामत जी ने किरण कामत जी भी हैं नहीं मानव पोदार हैं इस वेरी टैलेंटेड कंपोजर तो इस एंटरटेनमेंट कंपनी से हम चाहते हैं कि नए टैलेंट को भी ब्रेक मिले नए लोगों को भी ब्रेक मिले नए सिंगर्स नए म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी ब्रेक मिले तो ये इनकी इच्छा है और मैं चाहूँगा थोड़ा सा दिलीप सैन सनी सैन साहब द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर्स जो और इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरे निवेदन पे इतने प्यार से यहाँ पर आए और बच्चे को आशीर्वाद दिया अरुण बख्शी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा राजू श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये आए और इन्होंने इस एल्बम के लिए आशीर्वाद दिया शादाब को इस एल्बम को बहुत खूबसूरती से गाया है शाहिद मालिया जी शाहिद मालिया जी की आवाज में जो एक सूफीज्म है एक जो सदा जिसको बोलते हैं सदा जैसी आवाज है इनकी और इतना खूबसूरत इन्होंने गाया है इस एल्बम को और जब मैंने सुना तो फिर मैंने शादाब से कहा कि इस एल्बम को अच्छे से प्रमोट करो अच्छे से रिलीज करो क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल है बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है तो शाहिद भाई भी बहुत ही बढ़िया मेरे पसंदीदा सिंगर्स में से एक हैं तो आप सब की दुआएं हम सबके साथ चाहिए दिलीप सैन सनी सैन साहब आशीर्वाद दीजिए तो बहुत बहुत पहले जितने भी यहाँ आए सबको बहुत बहुत बधाई है राम शंकर जी और हम लोग एक ही परिवार के हैं क्योंकि ये भी सुजान करते हैं हम भी सुजान करते हैं और मैं ये बता दूं कि इनके पिताजी शंकर शंभू जी से मतलब चाचा पिताजी मतलब जिनसे हमारा परिवार का काफी साथ रहा है और मैं समझ रहा हूँ कि आज
सबसे ज्यादा अगर कोई रुझू है तो राजस्थान के संगीतकार और राजस्थान के कलाकार। अगर हम लोगों का कहीं भी जोड़ा नहीं है तो आप जो सही जगह पहुंचे राम जी के यहाँ, तो राम जी का आपको आशीर्वाद मिल गया। यह दो जन है राज साहब के, मतलब हमारे यहाँ ही भाई साहब और अरुण जी, आप लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग भी आए। और शाहिद मालिया भी मेरे परिवार का ही है, बिल्कुल बिल्कुल। और रब्बा मेरे, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राम जी ने जो यारों सब दुआ करो से अपने झंडे गाड़े थे, इस एल्बम से भी मैं समझ रहा हूँ कि 2022 ही नहीं आने वाले जितने साल होंगे उसमें रब्बा मेरे का चाट बढ़ेगी, आन बढ़ेगी और हम लोग ऐसे ही याद करते रहेंगे रब्बा मेरे। और शाहिद वालिया को, इसके संगीतकार जो भी हैं, राइटर जो भी हैं, मानव जी को भी बहुत बहुत बधाई है बेटा, विमल कश्यप जी को जो लिरिक्स राइटर। तो मैं कहता हूँ कि आज नए लोगों का जमाना है और हम लोग जब देखते हैं कि भाई हम लोगों के बाद कौन आने वाले हैं, मगर देखा कि यहाँ ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा शादाब जी को, रामशंकर जी को मैं बधाइयां दूंगा कि ये नए नए टैलेंट को आगे लाना चाहते हैं, तो हम भी इनके साथ में हैं। हमारे लिए कोई सवाल लगेगी तो हम दोनों चाचा भतीजा यानी दिलीप सिंह समीर सेन जी आपके सेवा में हाजिर रहेंगे। बहुत बहुत सबको बधाइयां, खास करके सिमरन जी को, अरे आई भी मेरी सारी विकास जी को, क्योंकि आप लोग नहीं तो हम लोग नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरे पार्टनर इतना बोल देते हैं कि मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि शादा मानव और शाहिद राम साहब, बहुत बढ़िया काम हुआ है ये। और काफ़ी दिनों के बाद मैं लॉकडाउन के बाद आज मैं पहली बार किसी फंक्शन में आया हूँ, चाचा जी तो जाते आते रहते हैं, और राम साहब के बोलने पे मैं आया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रब्बा मेरे एल्बम आज जो रिलीज हुआ है, इसके आज के बाद मुझे लगता है ये कोरोना भी भाग जाएगा और ऐसी महफिलें चलती रहेंगी। और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शाहिद मालिया ये मेरा भांजा है, इसको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अरुण जी को बधाई, सिमरन जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, अरुण जी मेरे ख्याल से शादाब के लिए लगातार आधे मिनट की तारीफ चाहिए, और म्यूजिशियंस के लिए भी, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो सिंगर हैं, जो एक्टर हैं, राम जी के लिए रिप्रेजेंटर, लगातार ताली चलनी चाहिए, तालियां लगातार आधा मिनट, आपने प्रॉमिस किया है, तालियां मिलनी चाहिए कलाकारों को। बहुत मुश्किल से ये मोमेंट आती है, ये उरूज होता है, उर्दू में कहते हैं नुक्ता उरूज, ये बिल्कुल नहीं। ताली अभी 15 सेकंड हुए, अभी 15 सेकंड हुए, नुक्ता उरूज जब आता है, क्लच मोमेंट आती है, कला अभी अभी 5 सेकंड और है, लगातार ये चलती रहनी चाहिए। मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि नुक्ता उरूज जो क्लच मोमेंट है वो जब आता है कलाकारों के लिए बहुत बड़ा हाई होता है, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर है, चाहे वो लिरिसिस्ट है, चाहे वो सिंगर है, चाहे स्टेज पे खड़े हुए कितने भी लोग हैं, चाहे वो प्रेजेंटर है, क्योंकि प्रेजेंटर की जो गुडविल है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंटेंट ऑफ द सॉन्ग। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज वन अगेन प्लीज। या तो एक अलाप की राजू जी, अच्छा आप सबका शुक्रिया, राजीव मीडिया सबका,
आप सबके उपस्थिति में मेरे गाने को आशीर्वाद मिला, मतलब हम सबका गाना है और आई एम रियली हैप्पी। बहुत सारी खुशी है मुझे और मैं इस खुशी के मौके पर ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा गाई गाने को, कौन सा गाना गा लूँ मैं? विजय चांदगुड़ी जी भी बहुत अच्छे एक प्रोड्यूसर हैं और बहुत जल्दी इनके साथ ही हम बहुत कुछ कर रहे हैं। इस एल्बम के लिए इन्होंने भी बहुत मेहनत करी, बहुत एग्जीक्यूट किया इन्होंने इस एल्बम के लिए, तो इनका भी बड़ा सहयोग है। थैंक यू वेरी मच सर आप सबका। और मैं चाहूँगा कि गाना दिखाए जाए। बिल्कुल बिल्कुल। शादा भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं शायद आपके भाई को भी बुलाना चाहूंगा, बड़े भाई को, प्लीज उनका भी स्वागत होना चाहिए। प्लीज शाबाश इनका स्वागत, शाबाश का स्वागत राजू श्रीवास्तव जी करेंगे। राजू श्रीवास्तव जी आप स्वागत, खुश हो रहे हैं, शादा आपके ब्रदर हैं, शादा आपके लिए। ओके चलिए बढ़िया आप ही यही चलिए। अब एक कंफ्यूजन मेरा दूर कर दो भाई, मैं जिस गाड़ी से आ रहा था उसमें गाना एक बज रहा था, उसका गाना अच्छा था, मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। गाना था वो क्या, जिहाले मस्ती मुकुंद बरंजिश जिहाले हिजड़ा तुम्हारा किसका दिले, इतने कबाब तंदूरी और इतने कठिन गाने कौन बता रहा है। सुनने के लिए मैं पैदा हुआ था, अब मैं आराम से मर सकूंगा जी। तो आगे तो इसके लिए मानव ने बहुत अच्छी मेहनत की है, इज अ वेरी टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर और विमल कश्यप जी ने बहुत अच्छा लिखा है। मैं चाहूंगा विनय सिंह जी प्लीज, बबलू भैया विनय सिंह जी अगर यहाँ आ रहे हैं। विनय भाई शैलेश तिवारी जी हैं, हाय हैं शैलेश तिवारी जी। विनय सिंह साहब इनका स्वागत करेंगे राजू श्रीवास्तव जी, दिलीप सेन सभी सेन साहब मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं।
यहाँ इस दिन के दरबार में ही खड़े हैं, नमाज लेने का है और इनका बड़ा प्यार है। ओके थैंक यू मेरे भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अमरीश भट्ट साहब हैं, उनका भी स्वागत किया है आज। शैलेंद्र मिश्रा डायरेक्टर, शैलेंद्र मिश्रा बहुत से म्यूजिक वीडियोस इन्होंने किया। ओके और अब मैं चाहूंगा कि एक बड़ा बुके दो भाई, बड़े वाला स्वागत करना चाहूंगा। प्लीज कम ऑन द स्टेज प्रिंस जी, आप हमेशा हर लोगों की शान बढ़ाते हैं। प्लीज कम, प्लीज कम, सिमरन जी इतनी बेहतरीन एंकर और इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं कि जिसकी कोई मिसाल नहीं, और जिस इवेंट में ये आती है उसको चार चांद लगाएंगे। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच सिमरन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरीन काम किया है और इंशाल्लाह ये बहुत कामयाब होगा, सफल होगा। मैं इससे जुड़े हुए
हेलो 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 सब लोग सारे गुणी लोग हैं अपने फ्रिज के, क्योंकि काम बहुत अच्छा हुआ है तो आई एम वेरी हैप्पी। शादाब कहाँ शूट हुआ है? लोकेशन बहुत अच्छी है। ये कोलकाता में शूट हुआ है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ? एक्सपीरियंस तो पहली बार था और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शूट करने के। राम जी आप क्या कहना चाहेंगे? ये लाइमलाइट प्रोडक्शन जो है ये एक अपकमिंग प्रोडक्शन हाउस है और शादाब प्रोड्यूसर हैं इस प्रोडक्शन हाउस के एंड इस एल्बम के एक्टर भी हैं और शादाब के जो डैडी हैं परवेज़ भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो इस वजह से पूरा सुपरविजन पूरा गाइड मैं कर रहा हूँ शादाब को और मेरे गाइडेंस में ये सारा एल्बम बहुत खूबसूरत हुआ है। रब्बा मेरे इसको मानव पोदार ने कंपोज़ किया है, विमल कश्यप जी ने लिखा है और शाहिद मालिया जी ने गाया है और सोमलता और एफी ये और दो सिंगर्स हैं फीमेल सिंगर्स जिन्होंने गाया है। तो लाइमलाइट प्रोडक्शन का यही एक लक्ष्य है, यही मोटिव है कि नए टैलेंट को लाइमलाइट में लेके आना है, नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स, नए सिंगर्स, नए एक्टर्स। तो ये पहला कदम है और इसके बाद दो और एल्बम इनके नेक्स्ट मंथ और उसके बाद फिर आने वाले हैं, जिसमें एक मेरा बेटा आदित्य शंकर है वो एल्बम कर रहा है, दोनों एल्बम का म्यूज़िक वही कर रहा है, एक में एक फीमेल पंजाबी नंबर है और एक लव सॉन्ग्स है। तो ये अभी सस्पेंस है कैसे क्या होगा, लेकिन शादाब जो है वो अब लगे हुए हैं इसमें, इसके बाद इनकी प्लानिंग्स वेब सीरीज़ मूवीज़ काफ़ी चीज़ों की प्लानिंग है, तो आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए। और अरुण जी आपने भी गाना सुना है और आप तो खुद भी गाते हो, कितना गाना में मज़ा आपने कितना इन्जॉय किया? मेरे लिए खुशी की बात यह है कि दे हैव नॉट कमिटेड टू एनी पर्टिकुलर गॉड, उसमें वर्ड है रब और इनफैक्ट रब में है सब सब। वाह, ये किसी भी रिलीजन किसी भी मजहब को बिल्कुल पोर्ट्रेट नहीं करता, ये रब है, हर एक इंसान के अंदर रब होता है। दैट इज फॉर मी इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेकेंड थिंग इज म्यूजिकली इट्स वेरी रिच, बहुत अमीर गाना है ये। और थर्ड इज न्यू गाइज आर कमिंग आउट विद द सॉन्ग, द म्यूजिशियंस आर न्यू, दे आर कमिंग आउट, इट मीन्स इट्स अ साउंड ऑफ न्यू एरा, एक नए युग की शुरुआत है। एंड व्हाई नॉट, एंड व्हाई नॉट, वी शुड रिस्पेक्ट देम, वी शुड गिव देम एनकरेजमेंट। एंड थर्ड गुड न्यूज इज के नाउ कोविड इज ओवर, म्यूजिक हैज टेकन ओवर मैन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस, and Shahid and the female singer has done a very good job. I wish you all the very best. Or where is Chicken Charlie? Chicken Charlie, handsome man, handsome boy. देखिए देख के लगता नहीं कि एक्टर, इसकी प्रेजेंस कितनी अच्छी है, इनकी प्रेजेंस कितनी अच्छी है, इट्स वेरी नाइस। और इन्होंने भी काम किया है, मानव मानव ने भी उसमें काम किया है। And you are I'm the composer. He is the composer also. And you guys, we should give them a round of applause. Let's go. आज के युवा पीढ़ी का संदेश देना चाहते हैं। युवा पीढ़ी खुद संदेश दे रही है। युवा पीढ़ी खुद संदेश दे रही है। They have come back. उनको आए, उन्होंने struggle अपने हिस्से का किया है। अपने हिस्से का struggle करने के बाद now they have got a presenter like him, Ram Shankar. Thank you. एक नाम में दो दो भगवान हैं तो और क्या चाहिए, दो दो अलग अलग युग है, एक राम है और शंकर का युग है और साथ में संगीत है, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स वंडरफुल। प्रेजेंटर क्या होता है, तराजू के ऊपर का होता है, वो देखता है बैलेंस काम करता है, ही इज अ बैलेंसिंग पॉइंट। एंड ये लिरिसिस्ट से गाना जिस हिसाब से लिखवाते हैं वो उनकी एक्सपर्टीज है, सो नाइस, इट्स एक्सपर्टीज ऑफ मिस्टर राम शंकर एंड इट इज इन टोटो इट्स वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। जब आपके पास ये गाने का ऑफर आया कि आपको इसमें एक्ट करना है, तो आपको उस समय रिएक्शन क्या था, क्योंकि रब्बा मेरे करके से बहुत सारे सॉन्ग आ चुके हैं? एक्चुअली अंकल ने ही कहा कि अंकल नहीं यार, नहीं अंकल नहीं, ही कांट भी अंकल, राम जी राम जी कांट भी अंकल, लो सर ने, राम अंकल ने, राम सर ने कहा मुझे कि व्हाई डोंट यू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, व्हाई डोंट यू लीड इनटू दिस। तो मैंने कहा कि अगर आप कहते हो तो मैं ही क्यों ना करूँ, आपका
आपका हुक्म सर आपको पे। लेकिन जब आपके पास रबा करके आया, लेकिन रबा करके ऑलरेडी बहुत सारे सॉन्ग हैं जो कि रबा वर्ड यूज हो चुका है, तो आपको एक मन में ख्याल आया होगा ना कि पुराने सॉन्ग को ही रिक्रिएट किया जा रहा है, फ्रेश देना है। ये तो फ्रेश है रब्बा मेरे, इज लाइक कि इट हैज अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर सॉन्ग। जैसे कि इस गाने में बहुत सारे रोमांटिक सीन भी हैं, तो आप वो करने के टाइम कंफर्टेबल थे कितना, क्या लगा? थोड़ा कंफर्टेबल था, हाँ बट कंफर्टेबल था। मैं आई एम एन एक्टर, आई हैव टू बी ओपन पर्सन, मैं भी रहता हूँ। क्या चैलेंजिंग लगा आपको? क्या चैलेंजिंग लगा आपको? चैलेंजेस तो स्टार्टिंग में लगा, फिर लाइक कंफर्टेबल होते होते कर लिया। रिलेशन मैंने इनसे तो एक दिन सॉन्ग के एक दिन पहले मिला था, बस रिलेशन क्या, बस फिर ऑन द सेट ही मिले। मेरा सवाल ये था कि जब आपके लिए आपका पहला है ना, तो जब कैमरे के सामने कोई नया इंसान आता है, अच्छा, तो अच्छा। काफी घबराहट रही थी। जी जी, तुमने कैसे मैनेज किया? सी जब पहले में हिचकिचाहट थी कि मैं नर्वस था कैमरा को फेस करने के लिए, बट क्या हुआ कि अब क्या है कि ये मेरी जिंदगी है, कैमरा एक उसको अपना लाइव बना लेने का है, तो मैं बस क्या बस हिम्मत किया और अपना वो काम किया और बस हो गया, निकल गया। रामशंकर जी, गुड इवनिंग। इतने सालों से आप इंडस्ट्री में सब लोग आगे बढ़ी। यस सर, हाउ सर? तो मैं रमेश राव फ्रॉम सिनेबस्टर। जी जी। तो रामशंकर जी, आपने प्रेजेंट किया बट म्यूजिक डायरेक्टर इज सुपर, थैंक यू। मानो जी, हाउ यू फेल्ट? मैंने आप नए जमाने के नए जब मैं गाना बनाता हूँ जनरली मैं जनरली मैं पहले लिरिक्स पे फोकस करता हूँ, तो मैं हर गाने का स्क्रैच लिरिक्स खुद करता हूँ, टाइटल एंड जो मेन हुक लाइन वो मेरा है रब्बा मेरे। सो उस हिसाब वंस आई गेट द हुक लाइन कि रब्बा मेरे, तो उसके बाद मैं इंस्ट्रूमेंटेशन हर गाने का अगर ये जॉनर देखा जाए तो लगभग इसी टाइप का होता है, बट इट डिपेंड्स कि हम लोग धुन कैसा कर रहे हैं। तो धुन मेरे को कुछ ऐसा करना था ताकि इट टचेस योर सोल, तो बस भगवान का मेहर है, उनके फ्लो से बस हो गया गाना। फिर आई थिंक इट टुक मी 2 days टू कम्प्लीट द सॉन्ग। थैंक यू। दिलीप सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि जो इधर सर, नहीं मैं जोर से बोल लेता हूँ वैसे तो, हाँ यही कहना चाहूँगा कि जब नए लड़के या लड़कियाँ काम करते हैं तो उनको देख के खुशियाँ होती है, खुशियाँ होती है, और ख़ास करके मैं ये कहना चाहूँगा कि सवैयाँ होती है, ख़ास करके रामशंकर जी और शाहिद जी मेरे अपने ही परिवार के हैं, तो इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया, मगर शादाब जी ने, इनके जो संगीतकार हैं और जो लिरिक्स जिन्होंने भी गाने लिखा है, मैं समझता हूँ कि आज के यंग जनरेशन को जो चीज़ चाहिए, कंपोजिशन वॉइस या राइटिंग वॉइस और एंड पिक्चराइज वॉइस, बहुत अच्छा काम हुआ है और मुझे ये उम्मीद है कि आगे भी इन लोग इससे अच्छा काम करेंगे, इससे बड़ा एल्बम देंगे हम लोगों को, और ये 2022 का सबसे बड़ा एल्बम है, ये मेरे आत्मा बोल रही है। अरे वाह। और क्योंकि देखे एज ए म्यूजिक डायरेक्टर को अमूमन दूसरों की धुनें बहुत कम लगती है, मगर जब ये मैंने सुनी तो मुझे लगा कि नहीं यार एक कुछ में सोच भी है, साज भी है, और एक टीस है कि कैसे ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को याद करके जो उसको जो मर्ज किया इन लोगों ने संगीत में, तो बहुत प्यारा मर्ज किया, और बस ईश्वर से प्रार्थना यही करते हैं भोलेनाथ से, अल्लाह से, कि बस ये एल्बम इतना चले कि लोग बाग रब्बा मेरे हर हर घर में गुनगुनाते रहे। बहुत जरूरी भाई साहब, बहुत जरूरी भाई। आपका एक गाना यूपी में धूम मचा रहा है, कौन सा मालूम है सर को? हाँ जब भी कोई, अरे ओले ओले को यूपी, हाँ वो ऐसा हो गया, ओले ओले गिर भी रहे हैं, वो कोई नेता खड़ी हुई है लेडीज, तो अच्छी बात है ना कि भाई चलो 30 साल बाद भी लोगों को वो गाना सुनने का मौका तो मिल रहा है। सर आप
जबकि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था आपकी को स्टार क्यों नहीं आई जबकि सब लोग आए हैं, तो वो भी उनको भी तो आना चाहिए था इस इवेंट पर। वो शूट पे ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने वो दूर दूर जाती हो। हम उनसे जूम में बात करा सकते हैं आपकी। शाहिद जी से पूछिए। एक आप इग्नोर कर रहे हो, इस सारे कुनबे में हमारा जो टप्पर बैठा हुआ है इसमें और एक म्यूजिक था जब वो ठुमक ठुमक के बोलता था और ठुमक ठुमक के चलता था, उसका नाम है सिमरन आहूजा। उन्होंने इस संगीत को चार चांद लगा दिए, उनके लिए एक अच्छी ताली तो बनती है। मैं उनका फेस हमारे बीच होना चाहिए ना। So wonderful, पूरे इवेंट को अपने कंधों पे लेके चलती है। She knows the details, detail work very nicely. It's so good. A good event is being handled by Simran Ahuja. बहुत अच्छी, बहुत तालियां। Thank you. शाहिद जी, शाहिद जी, मतलब ये गाना किस तरह से आपने गाना गाया? आपने enjoy लेते लेते गाने को गाया और February भी और तो क्या कुछ कहना चाहेंगे बारे में? इस गाने में एक वर्ड है रब्बा, वो रब्बा मेरा शुरुआती गाना था, रब्बा मैं तो मर गया हूँ, मैं उस गाने को रिलेट करता हूँ उससे। जैसे वो चला वैसे ये भी चले। मैं दुआ करता हूँ कि ये गाना उसी तरीके से मकबूल हो और आप सबका प्यार मिले। और लाइमलाइट प्रोडक्शंस को बहुत सारी शुभकामनाएं। और मेरे जो कंपोजर ड्यो हैं मिस्टर मानव एंड किरण, उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस गाने के लिए चूज़ किया और इतने महारथियों के बीच में इस गाने को लॉन्च किया। थैंकफुल टू एवरी वन, थैंक यू सो मच। प्यार के गाना गाने में ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता क्योंकि मैंने भी प्यार किया, दिल की बात आ जाती है। और आज हग डे है, मतलब हमारे वक्त में ये डे कहाँ चला गया था? आज ओले ओले गा के खुश हो गए। चल रहा था हग डे। पहले के गाने में और अब के गाने में क्या फर्क है? बेटा ऐसा है, देखिए पहले भी गाने अच्छे बनते थे, मगर ये मत सोचिए कि आज के गाने अच्छे नहीं, आज के भी गाने अच्छे हैं। फिल्म को छोड़ के जब भी आप कोई ऐसे एल्बम सुनेंगी तो उसमें म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर दोनों मेहनत करते हैं। और फिल्मों के गानों के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो फिल्म की सिचुएशन होती है उस हिसाब से होती है, बाकी हमने क्या काम का किया आप लोगों ने सुन सुन के बड़े ही हुए उसको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी सो मच, थैंक यू सो मच। फोटोज पूरा गाना तो बहुत ही अच्छा था। और हमारे जो भाई है शादाब खान बहुत ही अलग लग रहे थे और काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं अंदर, एंड गाना भी काफ़ी अच्छा है। आपने उनका नाम शाहिद मालिया जी ने भी गाया है। एंड मेनली आई एम योर बिकॉज मैं राम शंकर जी जो है मेरे बचपन से, मतलब समझो आप मेरे डैडी समझ लो आप उनको, क्योंकि हम लोग सब हमें बड़ा किया है, क्योंकि ये स्नेहा वॉज दिस मच मैं तो मोस्टली मैं एज फैमिली वी आर टुगेदर, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं चलो ज़्यादा भावनी खाता और टाइम निकाल के जल्दी जल्दी आता हूँ। आपने भी गाना देखा, आप तो गाती भी हो, क्या एक्सपीरियंस है और क्या कुछ कहना चाहेंगे गाना को लेकर? मैंने रब्बा मेरे सुना, इट्स अ लवली सॉन्ग, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द होल टीम। और शाहिद मालिया जी ने और सोमलता जी ने बहुत अच्छा गाया है। कंग्रेचुलेशंस टू शादाब, वी हैव शादाब हियर विद अस, इन्होंने बहुत अच्छे से एक्ट किया है, बहुत अच्छा वीडियो है। डैड ने एंड जितने भी लोग इस गाने से जुड़े हुए हैं जिन्होंने इसके बिहाइंड द सीन्स बहुत काम किया है, वो उन सबको मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस। आप भी गाना गाते, कहीं ना कहीं आपने मिस किया होगा ये गाना, और मैं गाने ये गाना गाते नहीं है, ये कमाल करते हैं। गाना गाते होते तो बताइए। नहीं ऐसा नहीं है, सोमलता जी ने जो कि फीमेल सिंगर है इस गाने की, उन्होंने बहुत अच्छे से गाया है। और मैं किसी गाने के लिए ऐसे नहीं करती कि काश ये मैंने गाया होता, और जो भी जिन्होंने भी सिंगर ने इसको गाया बहुत अच्छे से निभाया है, एंड आई एम लविंग द सॉन्ग। सिमरन जी, तुमको गाना कितना अच्छा लगा? मुझे बहुत बहुत मज़ा आया, और वैलेंटाइन में
कुछ तो ऐसे लग रहा है कि नया सुनने को मिला है एंड नया चेहरा देखने को मिला, तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ. शादाब खान, मैं आपकी फ़ैन ऑलरेडी हो चुकी हूँ एंड आई थिंक मैं बहुत सारी बधाई देना चाहूँगी तो रामशंकर जी, क्योंकि वो मेंटर करते हैं यूथ को, यंगस्टर्स को, जैसे कि ऑफकोर्स उनके दोनों जो ब्राइटेस्ट स्टार्स हैं घर पर, स्नेहा आदित्य तो ऑलरेडी ब्राइट स्टार्स हैं, वो खुद भी ब्राइट स्टार्स हैं, बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ लेजेंड्स. सो ये बहुत बहुत खास दिन भी है और खास बात भी है, खास वैलेंटाइन है स्पेशली फॉर लाइमलाइट प्रोडक्शंस जो अनवील हो रहा है, जहाँ पूरा जो यूथ है सब साथ में होकर देश को और पूरे वर्ल्ड को दे रहे हैं द टैलेंट फ्रॉम आवर ओन कंट्री इंडिया. सो मैं ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी टू रामशंकर सर एट फर्स्ट एंड शादाब खान, एंड मुझे म्यूजिक से लेके शायद माल्या से लेके द फील ऑफ द सॉन्ग एंड द एसेंस बिल्कुल रू वाला सॉन्ग है. सो इट्स जस्ट यू नो इट्स रब्बा विद रू, बहुत बहुत मजा आया एंड सच अ प्लेजर. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस.